हम लोग को चाहिए कि उसको मतलब ऐसा सजा दे जो रेपिस्ट थे उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया याद रखे। उन लोग का इतना आसान मृत्यु वो डिजर्व नहीं करते। जो लड़की अभी भी सफर करे, उसका हार्ट टूट गया, उसका गला ऐसे फूल गया, 12 to 15 स्टिच उसको पड़ा है। एक ही पकड़ा गया है जिसका अभी मौत हो गया, उसका डेथ हो गया। आज मॉर्निंग को हम लोग को मिला है उसका डेथ बॉडी, यही इसी तालाब के तालाब में मिला है। लोकल प्रशासन को यही बात बताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा उन दोनों को भी दीजिए। हम लोग को चाहिए कि उसको मतलब ऐसा सजा दे जो रेपिस्ट थे उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया याद रखे, पूरी दुनिया हमेशा याद रखे। जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले हजार बार सोचे कि रेप करने से हम लोग को ऐसा दर्दनाक मृत्यु होगा। तो हम लोग को मतलब पुलिस प्रशासन भी है, जो हम लोग का असम सरकार है, सबको यही अनुरोध है कि जो दो रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे, जो महिला समिति है, जो समाज है, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारतवर्ष याद रखे। तो अभी भी दो नहीं पकड़ा गया है, एक ही पकड़ा गया है जिसका अभी मौत हो गया, उसका डेथ हो गया। आज मॉर्निंग को हम लोग को मिला है उसका डेथ बॉडी, यही इसी तालाब के तालाब में मिला है। तो हम लोग को अभी बाकी जो रेपिस्ट है, जो घूम रहे अभी भी, उन लोगों को मतलब पकड़ के हम लोग को सौंपना है। उन लोग का इतना आसान मृत्यु वो डिजर्व नहीं करते। जो लड़की अभी भी सफर करे, उसका हार्ट टूट गया, उसका गला ऐसे फूल गया, 12 to 15 स्टिच उसको पड़ा है हॉस्पिटल में, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है। तो जो वो पेन में है, जो लड़की, उसके हिसाब से तो ये बहुत कम पेन में मरा है, उसका कम पेन में उसका डेथ हुआ है। अच्छा, तो आप लोग अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? हाँ, प्रोटेस्ट अभी भी हम लोग का जारी रखेगा। ऐसे ही होगा, प्रोटेस्ट पूरा दिन होगा। जब तक वो बाकी दो कल्प्रिट पकड़ नहीं जाता, तब तक हम लोग का प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा मांग ये है कि जो भी एक को पकड़ा है वो तो है ही, अभी जो दो बाहर है उन दोनों को भी जल्दी से पकड़ना है और पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना है उन दोनों को भी। लेकिन कल जो हमारा प्रतिबाद हुआ था उस जगह पे, प्रतिबाद की जगह से वो ढिंग का जो लोकल लोग है, वो लोकल लोग ने बोला था कि जो भी अपराधी है, अपराधी का जो शास्ति होगा वो कड़ी से कड़ी होना चाहिए। लेकिन वो हमारे मांग को लेकर आज सुबह इस जगह पे लाया था वो अपराधी को, लाके जब उसका इंक्वायरी के लिए ले आया था, वो इंक्वायरी के लिए जब ले आया था वो पानी में उतर पड़ा अपराधी। लेकिन उतरने के बाद जब आज सुबह ये खबर मिला सारे ढिंगवासी को, वो खबर मिलने के बाद ढिंगवासी किसी की पे मत पे ढिंगवासी अभी हंस रहा है। यही हमारे के लिए अच्छी बात है, किसी की मत पे हंसने का कहीं पे नजारा नहीं है। लेकिन आज किसी की मत पे हंस रहा है ढिंगवासी। लेकिन हम जो दो लोग अभी बाहर है उन दोनों को भी हम लोकल प्रशासन को यही बात बताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा उन दोनों को भी दीजिए। तो आप लोग प्रोटेस्ट जरिए प्रोटेस्ट तो वो लोकल ढिंग आसो ढिंग व्यवसायी संस्था और लोकल जो वुमेन लोग है उन लोगों ने प्रोटेस्ट तो जारी रखने के लिए बोला है।